मिलिकन का अपेरेटिस जिसको ऑयल ड्रॉप अपेटिस कहा जाता है क्योंकि उसमें हम ऑयल यूज करते हैं टू डिटर्मिन वैल्यू ऑफ चार्ज बहुत सिंपल अपेटिस है इसमें एक चेंबर है जिसमें गैस भरा है इस चेंबर में तीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है पहला कंपोनेंट है एक एटोमाइजर स्प्रे इसको एटोमाइजर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ऐसा स्प्रे से इतने फाइन पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है जो ऑलमोस्ट एटम की साइज के होते हैं इट्स वेरी सिमिलर टू अ परफ्यूम स्प्रे सो इससे ऑयल का स्प्रे जनरेट होता है दूसरा पार्ट है एक एक्सरे सोर्स एक्सरे हाई एनर्जी रेडिएशन होता है जो जब गैसेस के पा, गैस पार्टिकल्स पे पड़ता है तो उनके इलेक्ट्रॉन्स को अलग कर देता है तो होता यह है कि एक्सरे से इलेक्ट्रॉन्स अलग हो जाते हैं गैस पार्टिकल से और ये इलेक्ट्रॉन ऑयल ड्रॉप्स पे चिपक जाते हैं तो अब हमको बहुत सारे ऑयल ड्रॉप्स मिल गए जिससे इलेक्ट्रॉन्स चिपके हुए हैं तीसरा पार्ट है एक छोटा सा होल जब ये ऑयल ड्रॉप्स गिरते हैं एक छोटे होल के थ्रू पास करते हैं ये होल की साइज हम इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं जिससे एक टाइम पे सिर्फ एक ऑयल ड्रॉप पास कर सकता है तो होगा ये कि लाइन में बहुत सारे ड्रॉप एक एक करके गिरेंगे इन दट चेंटस और इस अपरिटस में हमारे पास एक ऐसी प्रोविजन है जिसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर सकते हैं टू द द डायरेक्शन ऑफ ऑफ फॉलिंग ऑयल अब इस सेटअप से हम ये देखते हैं कि हम चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं तो अब हो हो क्या रहा है ऑयल ड्रॉप्स गिर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है हर ऑयल ड्रॉप पे दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो उसको नीचे ला रहा है दूसरा अपोजिंग इलेक्ट्रिक फोर्स जो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है हम इलेक्ट्रिक फील्ड को इस तरह एडजस्ट कर सकते हैं कि उसका ग्रेविटेशनल फोर्सेस एग्जैक्टली इक्वल टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स आ रहा है और जब हम इन दोनों को ऐसे एडजस्ट करें जब ये इक्वल है ये ऑयल ड्रॉप स्टैटिक हो जाएगा एक जगह पे रुक जाएगा वी नॉट गोइंग टू द डिटेल्स ऑफ फिजिक्स अगेन बट बाई इक्वेटिंग द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द इलेक्ट्रिक फोर्स एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स हम चार्ज की वैल्यू निकाल सकते हैं विच इज वॉट मिली कैंडिड और ये करने पर उनको चार्ज ये दिखा कि अलग अलग ऑयल ड्रॉप्स में अलग, अलग अलग चार्ज दिखा बट हम उन्होंने ये नोटिस किया कि सारे जो ड्रॉप्स पे चार्जेस हैं वो हमेशा एक पर्टिकुलर वैल्यू का इंटीजियर मल्टीपल था और ये वैल्यू था 1.6 टाइम्स 10 टू द पावर माइनस नाइनटीन कुलम कुछ कुछ था जिसका चार्ज टू टाइम्स दिस वैल्यू था कुछ कुछ था जिसका चार्ज थ्री टाइम्स दिस वैल्यू था बट हमेशा इसका इंटीजर मल्टीपल था और इससे मिलिकन ने ये कंक्लूड किया कि सबसे छोटा चार्ज हैज़ टू बी दिस इंटी स्मॉलेस्ट वैल्यू विच इज नथिंग बट वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू द पावर माइनस नाइनटीन कुलम अब चार्ज मिल गया चार्ज बाय मास रेशियो पहले से ही पता है तो मास भी मिल गया और इलेक्ट्रॉन का मास डिटरमिन हुआ 10 31 पॉइंट तो क्लियरली आप देख सकते हैं मास बहुत ही छोटा है विच मीन इलेक्ट्रॉन इज अ वेरी लाइट पार्टिकल तो अब हमने नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल जो एटम में होते हैं इलेक्ट्रॉन्स और कैथोड्रेस उनके बारे में देख लिया अब हम ये तो जानते हैं और बहुत सालों से ये पता था कि आइटम एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो इस नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए कुछ तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे और उनकी डिस्कवरी भी कैथोड रे ट्यूब की वजह से ही हुई बट थोड़े अलग मॉडिफिकेशंस के साथ हुई सो अस सी व्हाट दोस मॉडिफिकेशंस आर पहला मॉडिफिकेशन कैथोड रेज में हम एनोड के पीछे जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाते थे, थे यहां पे कैथोड के पीछे जिंक सल्फाइड स्क्रीन लगाएंगे दिस वाज़ द फर्स्ट मॉडिफिकेशन दूसरा मॉडिफिकेशन यह था कि वहां पे एनोड के सेंटर पे एक होल था यहां पे कैथोड पे मल्टीपल परफोरेशन डालने पड़े और ये बड़े परफोरेशन थे दिस इज सेकंड मॉडिफिकेशन और तीसरा मॉडिफिकेशन ये है कि कैथोड रे में हम गैस को इवैक्यूएट करके रखते हैं या लो प्रेशर पे रखते हैं यहां पे हम गैस फिल करते हैं इन द चें क्योंकि अगर हम गैस फिल किए बिना ये एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करते हैं तो बिल्कुल कोई भी ऑब्जर्वेशन नहीं दिखते हैं और ये देखते हैं हम क्यों इन अ लेटर स्टेज तो इन तीन मॉडिफिकेशन से क्या ऑब्जर्वेशन आए अब आगे हम ये देखते हैं तो चलिए देखते हैं इस मॉडिफाइड डिस्चार्ज ट्यूब में क्या एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन पाते हैं पहला ऑब्जर्वेशन वेरी सिमिलर टू जो हम कैथोड रेज में पाते इज uh, दैट वो जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन था कैथोड के पीछे उसमें ग्लो पाया गया इसका मतलब कुछ तो चार्ज पार्टिकल उसे हिट कर रहा है जो कैथोड के परफोरेशन के थ्रू पास कर रहा है इन uh, uh, और ये जो रेज है uh, इनको हम कैनाल रेज कहते हैं क्योंकि कैथोड के होल्स के थ्रू पास करता है और होल्स को जर्मन में कैनाल कहा जाता है अब ये किस चार्ज के बने हुए हैं ये हमें पता चलता है बाई अप्लाइंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड और इस बार जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं ये पाया जाता है कि ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट करते हैं जिसका मतलब ये खुद पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बने हैं तो अब कुछ तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से बने हैं ये कैनाल रेस एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो कैथोड रेस से अलग है इन केस ऑफ दिस कैनाल रेस इज दैट हम अगर गैस बिल्कुल नहीं लें तो कोई भी ग्लो पाया नहीं जाता है जिंक सल्फाइड स्क्रीन में इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो रेज ये गैस से आते हैं इस मेटल प्लेट से नहीं आते और हम अगर अगर गैस बदलें अगर अलग अलग गैसेस ले हीलियम हाइड्रोजन अलग गैसेस ले तो डिफ्लेक्शन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो अलग होता है फॉर हेवियर गैसेज डिफ्लेक्शन कम होता है लाइटर गैसेज के लिए डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है सो ऑल दैट वी नो इज डिफरेंट गैसेज द जो प्रॉपर्टीज हैं इस कैनाल रे के वो डिपेंड करते हैं हम कौन सा गैस लेते हैं सो इन कंक्लूजन हम ये कह सकते हैं कि uh, सारे आइटम्स कुछ तो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से भी बने हैं और कैनाल रेज इमिट करते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करते हैं ऑन द गैस वी टेकिन द डिस्चार्ज यू